Hi guys, how are you? This is Vijay Mishra, SBI PO, your constant guide. So you guys requested for a SBI PO interview experience and मुझे share भी करना था आप लोग के साथ, क्योंकि इसमें उससे आप लोग को बहुत चीज़ें पता चलेंगी जो आप लोग के common questions होते हैं कि किस language में interview होता है और interview में क्या क्या पूछा जाता है, क्या सिर्फ technical question आते हैं कि personal आते हैं वगैरह वगैरह। और last में आपको कुछ tips भी दूंगा, very important tips, जिससे आपको interview में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि उस दिन होता क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताता हूँ, ठीक है। देखो, मेरा जो इंटरव्यू था वो 3 मार्च को था और LHO दिल्ली में पड़ा था। LHO पता है आपको, लोकल हेड ऑफिस होता है, तो हर सर्कल का अपना एक लोकल हेड ऑफिस होता है। जैसे LHO अहमदाबाद है, LHO भुवनेश्वर है, वैसे LHO दिल्ली में मेरा पेपर इंटरव्यू शेड्यूल था। सो मॉर्निंग में उसमें स्लॉट्स होते हैं डिफरेंट। मेरा सेकेंड स्लॉट था तो मुझे 11 बजे के अराउंड आई थिंक रिपोर्ट करना था, तो हम लोग 9 बजे के आसपास पहुँच गए। सबसे पहले जब आप पहुंचते हो तो वहाँ पे वेटिंग एरिया में आपको बैठाया जाता है। सबसे पहले नीचे तो आईडी वगैरह चेक होती है, फिर ऊपर आप जाते हो, वेटिंग एरिया में बैठते हो, फिर 5-5, 6-6 ग्रुप में बुला के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लो आप कोई फोटोकॉपी वगैरह नहीं लाया तो वो सब वहीं हो जाता है, तो दे आर वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्प हो जाती है वहाँ पर। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होते होते ही मतलब 1-2 घंटा बीत जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद फिर क्या था, हम लोग को ऊपर जाना था, तो हम लोग ऊपर जाने के बस मतलब वेट कर रहे थे। ऊपर भी मतलब ग्रुप्स में जा रहे थे ना, हम वेट कर रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा सा हमको रिफ्रेशमेंट दिया गया, सैंडविच वगैरह दिन की खाने को, फिर अच्छा हुआ। मतलब भूख इतनी लग गई थी, 2-3 घंटे आप सिर्फ बैठे रहते हो, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी भाग के आते हो, तो अच्छा हुआ उन्होंने रिफ्रेशमेंट दिया था। फिर उसके बाद हम लोग गए ऊपर और हम लोग वहाँ बैठे थे। सो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जनरली क्या होता है कि SBI PO में इंटरव्यू में GD होता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होता है, बट पिछले 2 साल से नहीं हो रहा है कोरोना के चक्कर में, ठीक है। तो हम लोग के केस में भी नहीं हुआ था ग्रुप डिस्कशन, तो हम लोग डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे। हम लोग का 7-8 लोग का ग्रुप ऊपर हम लोग को ले गया गया और हम लोग एक रूम में बैठा दिए गए जहाँ पहले GD होती थी। हम वहाँ बैठे थे बट कोई GD नहीं हो रही थी। सो बहुत जगह जगह से लोग आए हुए थे, और हरियाणा से, आसपास के दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद, इधर तुम्हारे ऊपर उत्तराखंड वगैरह से हर जगह से लोग आए हुए थे। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, वी हैड अ टॉक, हम लोग बात कर रहे थे। फिर एक एक करके हम लोग को उस रूम के बगल में ले जाया जा रहा था कि जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है। तो वही सिचुएशन कि जब भी कोई इंटरव्यू हॉल से बाहर आता है तो आप उससे पूछते रहते हो ना कि भाई क्या पूछा, क्या कैसे बताओ, ये सब हमेशा आप बात करते रहते हो, तो वही सिचुएशन होती रहती है। सो मुझे भी ले गए जब तो मैं यहाँ बैठा था। सो मेरे जो पहले एक लड़की आई थी, तो मतलब उससे मैंने पूछा कि आपसे क्या पूछा गया, तो शी टोल्ड मी कि उससे काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए बैंकिंग और ये सब को लेके। तो मैंने कहा ओके, तो बस मैंने ये सोच के आया था कि मैं अपने आप को थोड़ा कूल रखूँगा। जो कहावत है ना वो सच्ची है कि आपकी जितनी मैक्सिमम नॉलेज थी वो चेक कर चुके हैं, यू जस्ट हैव टू बी कूल और काम रखना है एंड अपना फोकस मेंटेन रखना है, ठीक है। तो कितने भी ज्ञान आप कर लो, लेकिन जब आप उस रूम में एंटर करते हो ना तो सब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो वही वाला हाल हुआ, अचानक से जब मैं गया तो आई स्टार्टेड फीलिंग नर्वस, और वो उनको दिख जाता है, वो उनके चेहरे पे, वो आपके चेहरे समझ जाते हैं। सो व्हेन आई एंटर्ड, रूम में 5 लोग थे टोटल, जिसमें एक सबसे सेंटर पे CGM सर बैठे थे। CGM जो चीफ जनरल मैनेजर होते हैं, एंड CGM वो होता है जो लोकल हेड ऑफिस का हेड होता है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है वो। उसके बाद बगल में 2 लोग और 2 लोग इधर बैठे हुए थे, जिसमें से एक मैम थी और 4 सर थे। सो घुसते ही मैंने सबको विश किया एंड ग्रीट किया। सो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोल दिया कि विजय जस्ट रिलैक्स एंड हैव अ सीट। सो उन्होंने मुझे जो है एंटर करते ही बोल दिया विजय जस्ट रिलैक्स एंड हैव अ सीट। तो फिर मैं बैठा। अब होता क्या है कि उनके पास ऑलरेडी आपका बायोडाटा फॉर्म होता है, ठीक है। बायोडाटा फॉर्म आपको पता हो कुछ ऐसा होता है, ये मेरा भरा हुआ बायोडाटा फॉर्म है जिसमें आपके बारे में डिटेल्स होती हैं, ये आप पहले से भर के ले जाते हो, ठीक है। नाम, फादर्स नेम वगैरह वगैरह, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें, लैंग्वेजेस वगैरह ये देख सकते हो आप, जिसमें आपके क्वालिफिकेशंस, लैंग्वेजेस, 10th 12th, BTech की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसमें 3rd पेज पे होता है ये आपका हॉबीज़ वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, हॉबीज़ वगैरह से बात करूँगा मैं, ठीक है। तो ये होता है, और उसमें एड्रेस होता है आपका, बाकी ये होते हैं। तो ये उनके पास फॉर्म होता है, ठीक है। अब उससे आपके आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला है, मैंने उसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह लिखे हैं, बट मैंने लिखा नहीं था सबसे पहले, बट मैंने अपना लिखा नहीं था कि मैंने क्या किया है, BTech या BA।
तो सबसे पहला क्वेश्चन सीजम सर ने पूछा, तो विजय आपने क्या किया है, बीए किया है, बीटेक किया है? मैंने कहा सर बीटेक किया है, तो उसमें लिखा क्यों नहीं आपने? मैंने कहा सर मैं लिखा होऊंगा, तो उन्होंने मुझे दिखाया कहाँ लिखा है। तो फिर वो सबसे पहला क्वेश्चन तो काफ़ी ऑकवर्ड हो गया। मैंने कहा सर सॉरी सर लिखना भूल गया होऊंगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे ही भूल जाओगे तो बैंक में कैसे काम करोगे, वहाँ पे तो बहुत चीज़ें होती हैं आपको याद रखने के लिए, आपको लोन करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। मैंने कहा सॉरी सर मैं इसका ध्यान रखूंगा नेक्स्ट टाइम से। कहे ओके। तो भाई उस समय जो मेरा मोराल डाउन हुआ ना, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है तो बेटर लगता है, बट मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर सीजीएम सर ने क्या किया कि आगे शिफ्ट कर दिए क्वेश्चन। तो बगल वाले जो सर थे दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चन की बैंकिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछना स्टार्ट किए कि SLR क्या होता है, CRR क्या होता है। मैंने उनको बताया सर को वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने पूछा कि CRR मेंटेन क्यों करते हैं, बैंक को क्यों रखना पड़ता है, तो वो भी समझा दिया मैंने। फिर उन्होंने जो है सामने वाले सर से बोला, तो सर और सामने वाले सर ने पूछा कि अच्छा बेसिक बैंकिंग होती क्या है, व्हाट इज़ बैंकिंग, तो उनको मैंने वो समझा दिया। ये सब मैं पढ़ के गया था तो ये सब मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बगल में मैम थी उनको क्वेश्चन शिफ्ट कर दिया। तो मैम ने पूछा कि अच्छा आप योनो के बारे में जानते हैं? मैंने कहा हाँ मैम। उन्होंने पूछा आपके फ़ोन में योनो है? मैंने कहा नहीं मैम अभी तो नहीं है। बोले तो आपके फ़ोन में योनो को नहीं है, क्यों नहीं है? तो मैंने बोला मैम क्योंकि मेरा SBI का बैंक अकाउंट नहीं है इसलिए नहीं है। तो कहीं आपका SBI का बैंक अकाउंट नहीं है? मैंने कहा हाँ मैम कभी कुछ काम पड़ता नहीं, मेरा यस बैंक में पहले खुला हुआ था वही चल रहा है आज तक। कहीं बताइए आपको बैंक में आना है और डूबते हुए बैंक में आपने पैसा लगा रखा है क्योंकि यस बैंक आपको पता है। मैंने कहा हाँ मैम। आपने मुझसे पूछा कि आप योनो के बारे में जानते हैं? अच्छा मैंने कहा हाँ मैम जानता हूँ। और पूछे क्या है? मैंने कहा सर मैम योनो के हम मोस्टली सारे बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो भी मिनी बैंकिंग बोलते हैं इसको। तो पूछा उन्होंने क्या सारे कर सकते हैं या फिर मोस्टली कर सकते हैं? अब मुझे ये पता है तो मैंने कहा मैम जहाँ तक मुझे लगता है मोस्टली कर सकते हैं। कहिए अच्छा ठीक है आप इंस्टॉल करिएगा और देखिएगा। मैंने कहा ठीक है मैम। बस फिर सीजीएम सर ने मतलब बीच में इंटरप्ट किया उनको और फिर वो पूछे कि आप, फिर उन्होंने पूछा, फिर वो मेरे हॉबी पे आ गए क्योंकि मैंने हॉबीज़ में लिख रखा था लिसनिंग म्यूज़िक एंड कुकिंग। ठीक है, क्योंकि आपको हॉबीज़ के लिए उतना ही लिखो जितना आपको आता है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही प्रसाइज। तो कुकिंग का उन्होंने पूछा, तो कुकिंग का मैंने उनको बता दिया क्योंकि भाई मैं कुक करता था, मुझे खाना बनाना आता है। तो ही स्टार्टेड आस्किंग में क्वेश्चंस कि आप क्या क्या बना लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस क्या होता है, क्या ऑप्शंस अच्छे होते हैं, मतलब उस पर थोड़ा बात हुई। फिर वो म्यूज़िक पे आ गए और भाई उन्होंने मुझे यहाँ खिंचाई चालू कर दी। पूछे म्यूज़िक में कैसा म्यूज़िक सुनते हो? तो मैंने बोला सर क्लासिकल सुनता हूँ और रैप सुनता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्लासिक में क्या किस कौन सुनते हो, हिंदी इंग्लिश? मैंने कहा सर दोनों सुनता हूँ सर, इंग्लिश भी हिंदी भी। तो पूछा इंग्लिश में? मैंने कहा सर इंग्लिश में बीटल्स को सुन लेता हूँ और क्वीन बैंड मेरा बहुत ही फेवरेट है, उसके गाने सुनता हूँ और ये सब सुन लेता हूँ, मेटालिका वगैरह सुनता हूँ। और अच्छा फिर पूछा हिंदी में? मैंने कहा था हिंदी में किशोर कुमार को सुनता हूँ और कुमार सानू को सुनता हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर ये पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि किशोर कुमार का पूरा नाम क्या था? मैंने कहा सर किशोर कुमार का नाम तो आई थिंक किशोर कुमार ही था। तो उन्होंने पूछा मतलब उनका उनका वो उनका रियल नेम क्या था? किशोर कुमार तो उनका स्टेज नेम था। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंस गया, क्योंकि मुझे अब देखो, क्योंकि अब मैंने म्यूज़िक लिख रखा था तो म्यूज़िक के बारे में अगर मैं किसी सिंगर का नाम ले रहा हूँ तो मुझे सबका पता होना चाहिए। तो लाइक जैसे उन्होंने मेटालिका वगैरह का पूछा कि कितने मेंबर्स थे उनके बारे में पूछा तो मैंने बताया। तो लेकिन अब किशोर कुमार का जो रियल नेम था वो मुझे पता ही था कि वो उनका स्टेज नेम था। आई न्यू कि ही वॉज बंगाली और वही वो शायद मुझसे सुनना भी चाह रहे थे। तो मैंने उनको बताया सर ही वॉज बंगाली बट उनका मुझे रियल नेम नहीं पता। तो ही टोल्ड मी समथिंग कि उनका कुछ ए के गांगुली करके नाम था, ही वॉज गांगुली और बंगाली थे वो। तो मैंने कहा हाँ सर। तो क्या आपके फेवरेट सिंगर हैं बताइए, आपको उनका नाम नहीं पता? तो फिर मुझे लगा अरे यार ये सीजीएम सर के सामने मेरी जो रेपो थी ना वो लगातार ख़राब पे ख़राब हुई जा रही थी, क्योंकि वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछ रहे थे। तो उसके बाद फिर वो पूछने लगे। फिर पूछे कि आप कहाँ से हो? तो मैंने बताया सर इलाहाबाद से हूँ। तो इलाहाबाद के बारे में भी भाई उनको पता नहीं इतनी नॉलेज थी, वो था कि इलाहाबाद के तीन चार खासियत बताओ। तो मैंने बताया संगम और चार से पांच प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पे रहे हैं। अब यही होता है कि आप एग्जैक्ट गेस, आपको एग्जैक्ट नंबर्स पता होना चाहिए। अब वो मुझसे एग्जैक्ट पूछने लगे कि चार से पाँच या पाँच या छः या कितने नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ से जुड़े हुए थे। तो अब मुझे नंबर एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैंने बता दिया था कि वहाँ से बहुत से प्राइम मिनिस्टर निकले हैं। फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्हें मुझसे कुछ और पूछने लगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने लगे कि उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट क्यों कहते हैं, वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक अजीब क्वेश्चन पूछ लिया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में एक छात्रावास है, हॉस्टल है, जे एन झा छात्रावास करके है कुछ ऐसा।
तो उसके बारे में बताओ। मैंने कहा हाँ सर, मतलब मैंने बताया मतलब कि हाँ सर वो है। तो बोले कि वो किसके नाम पे पढ़ा है, तो उन्होंने बोला सर अभी ये तो नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे बताया, मतलब बेसिकली वही होता है ना कि आपको नॉलेज होती है, आपको सुनना चाहते हो, बट आपको एग्जैक्ट वो चीज़ आती नहीं है। तो वही मेरे साथ हो रहा था, वो कुछ और सुनना चाह रहे थे कि वो जो हॉस्टल है वो किसके नाम पे पड़ा था। तो आई डेंट नो किसके नाम पे पड़ा था यार, अब पता नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो जिसके नाम पे पड़ा था वो जीएन झा और उनके बेटे कुछ वहाँ पे प्रिंसिपल या वीसी वगैरह थे, एंड ही यूज़ टू शेयर रूम विद हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन भी वहाँ पर रहे थे, तो वो उसकी खास बात थी। दैट्स वाई आई थिंक वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो सब भी नहीं बता पाया। तो यू नो, जब थोड़ा सा आप लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं बता पाते हो तो यू स्टार्टेड फीलिंग नर्वस। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था कि लगा था कि आज इंटरव्यू ख़राब हो गया और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर जो है ये जो मैम बैठी थी इनको फिर से क्वेश्चन पास किया गया। अपने आप को 5 ईयर डाउन द लाइन कहाँ देखते हो? तो मैम बोला, मैंने बोल दिया सर ब्रांच मैनेजर। तो बोला अच्छा ऐसा क्यों? मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर मैनेजर वाली क्वालिटीज़ है, आई कैन मैनेज, एंड मैं फाइनेंस में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, और साथ ही साथ क्या कहते हैं बैंकिंग का तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है ही। मैंने पूछा कि व्हाई डू यू थिंक सो, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो फिर मैंने उनको थोड़ा बताया कि सर देखो मुझे बैंकिंग फाइनेंस में बहुत नॉलेज है, और सर मुझे बिजनेस आइडियाज़ में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो आपका जो भी बैंक का काम या फिर जो भी आपके बिजनेसेस होंगे या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज होगी, बिजनेस करने में मैं बहुत हेल्प करूँगा बैंक की। प्लस मेरे अंदर सर मैनेजरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं मैनेज चीज़ों को बहुत करता हूँ। मैंने अपने कॉलेज में जितने प्रोग्राम्स वगैरह थे उसमें से काफ़ी मैनेज करवाया था। थर्ड ईयर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें इवन मैं मार्केटिंग हेड भी मैं ही था, तो मैंने मार्केटिंग वाला पोर्शन देखा। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे अंदर वो क्वालिटी है। तो उस आंसर थोड़ा सा दे सीम इंटरेस्टेड कि उनको अच्छा लगा, अच्छा ओके गुड ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक फिर मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया था। और ये जो मैंने पूरा आपको बताया है आप मानोगे नहीं, ये सिर्फ इंटरव्यू मेरा चला था 7 to 8 minutes ठीक है। सो इट वॉज अ शॉर्ट इंटरव्यू, बट पूरा वो इंटरव्यू ना बहुत ही एकदम लगातार होता रहता है। इधर से क्वेश्चन आते हैं, कोई इधर से क्वेश्चन पूछे, कोई उधर से पूछेगा, तो उस तरह से थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा नर्वस हो गया था, बट आपको होना नहीं चाहिए। नाउ कमिंग टू द टिप्स, नाउ कमिंग टू द टिप्स अब आपको देखो मैं मेरा सजेशन क्या होगा आपके लिए। देखो जो फर्स्ट चीज़ है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना ड्रेस कोड मेंटेन रखो, जैसे भी आप लोग हो, शर्ट सूट या फिर जैसा भी आप जाना चाहते हो प्रॉपर वे में जाओ, जस्ट बी नीट एंड क्लीन ठीक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे कि आपको बैंकिंग का मतलब पढ़ के जाना होगा, तो जो मेंस के बाद आपको टाइम मिलता है उसमें अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका इंटरव्यू किस पे हो सकता है। मैंने बताया ना मेरे पिछली वाली लड़की का जो इंटरव्यू था वो पूरा टोटली बैंकिंग पे था, और मेरा मतलब मिक्स था, और काइंड ऑफ मेरा ज़्यादा हॉबीज़ पे था और ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स पे था। उनका ऐसा भी हुआ था कि उनका इंटरव्यू में एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, उनका इंटरव्यू सिर्फ इस बायोडाटा से हुआ था, हॉबीज़ से, कहाँ से हो, फादर क्या करते हैं, सिर्फ इस पे चला गया था पूरा इंटरव्यू ठीक है। तो इट डिपेंड्स, इसलिए आपको हर तरह से तैयार होना पड़ेगा ठीक है। नाउ तीसरी चीज कि इस बायोडाटा फॉर्म में आप जो भी लिखो, अगर आप ए बी सी डी आप जो भी लिख रहे हो, आपको उस हर चीज का मतलब पता होना चाहिए और हर चीज के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने म्यूजिक लिखा है तो आप म्यूजिक में किसको सुनते हो, वो कौन है, क्या करते थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता होना चाहिए ठीक है। तो अपनी हॉबीज को अच्छे से मेंशन करो। और तीसरा SBI YONO पे वैसे मैं खुद एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि SBI YONO मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो गया है कि हर इंटरव्यू में पूछते ही हैं, और क्योंकि होना भी चाहिए क्योंकि SBI YONO तो उनका प्रोडक्ट है, जो कि हम लोग भी उस पर काम करते हैं, तो वो उसको बहुत ही सेल करते हैं और सबको मतलब बताते हैं उसके बारे में। सो उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना उसको। तो SBI YONO आपके फ़ोन में होना चाहिए और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है। नाउ कमिंग टू लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम, जिसमें से आप बहुत लोग पूछते हो तो आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा? इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आप अपना हिंदी में इंटरव्यू देना, हिंदी में चल जाएगा। बट थोड़ा सा इंग्लिश हल्का फुल्का आपको आना चाहिए, जैसे मान लो कोई अगर इंग्लिश में पूछे तो आप थोड़ा सा बस समझ जाओ, यू कैन आंसर इन हिंदी ऑल्सो ठीक है। और उसमें फॉर्म में आप देखो तो एक चीज़ लिखी होती है कि लैंग्वेजेस यू नो अदर देन इंग्लिश, तो थोड़ा बहुत वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप मैनेजर बनने जा रहे हो, आपको किसी ऐसी जगह पोस्ट कर दिया गया जहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो यू शुड नो एटलीस्ट इंग्लिश, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में क्या हुआ था कि जैसे मैंने ये फंडा बनाया था कि अगर मुझसे इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश में आंसर करेंगे, हिंदी में पूछेंगे तो मैं हिंदी में आंसर करूँ, क्योंकि वो बेस्ट वो होता है। बाकी आप अगर हिंदी में बोलोगे या फिर अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज में है तो उसी रीजनल लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है।
ये चार पांच चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, SBI योनो और क्या कहते हैं कि बस, और बाकी वही नर्वस वाली ट्राई करो। मैं मुझसे तो नहीं हो पाया था, बट अगर आप लोग हो सकते हो तो जितना काम रह सकते हो उतना काम रहो, वरना वो बहुत ही आपको फ्रेंडली बना खुद ही वो करेंगे। क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ, CGM से थोड़ा गुस्सा हो गया था, बट वो बातों बातों में इतनी मतलब फ्रैंक हम बात करने लगे थे कि जब वो इलाहाबाद की उन्होंने बात स्टार्ट की तो हम काफ़ी घुल मिल गए थे। मतलब उन्होंने बताया हाँ वो वहाँ पे संगम है, वहाँ पे गए और चाट खाए और ये किया वो किया, तो उन्होंने आई थिंक वो जगह घूमी हुई थी इसलिए काफ़ी बातें होने लगी थी, तो बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन हो जाता है। ठीक है, सो गाइस दिस वाज माय एक्सपीरियंस, आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इससे लर्निंग लेके आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी वैसे करनी है। फिलहाल अभी आपके प्री मेंस चल रहे हैं तो उस पर अच्छे से ध्यान दो, और जब आपका इंटरव्यू आएगा तो इस वीडियो को और देखना अच्छे से और समझना, और मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, जैसे जो मेरे कलीग्स थे उनके साथ इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। मेरे इंटरव्यू में तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन कम थे, बट पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।